अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मैम आयमा शाह। फोर्थ क्लास को साइंस मैं पढ़ाऊंगी और जो बुक हम पढ़ेंगे उसका नाम है द साइंस फैक्टर। आज हम सबसे पहले रीड करते हैं व्हाट इज़ द साइंस, पेज नंबर 2 है। हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ आप एक साइंटिस्ट को देख रहे हैं, इसको रीड करते हैं। हाय, आई एम ए सुपर साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट खुद को सुपर साइंटिस्ट कह रहा है। एंड माई स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू फाइंड अ क्वेश्चन, साइंटिफिक क्वेश्चन डेट आई कॉन्ट आंसर। और वो कह रहा है कि मेरे स्टूडेंट कोशिश करते हैं एक साइंटिफिक क्वेश्चन को फाइंड करने की जिसका वो आंसर नहीं दे सकता। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? और वो उसका रिप्लाई कर रहा है, आई नो डैट इट्स द टंग। हमारी ज़ुबान, हमारी ज़ुबान जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी का। इसको MCQs लिख लें, ये MCQs में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या है? ईजी, आसान है। एन एनिमल डैट ओनली ईट प्लांट्स। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। आप इसके ऊपर फिलिंग लाइन लिख लें, कि फिलिंग लाइन में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स सब, लिक्विड मीन माया पानी, एंड गैस, गैस का आपको पता होगा। दिस इज़ व्हाई आई एम कॉल्ड सुपर साइंटिस्ट, बिकॉज आई नो एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक स्टूडेंट उसे पूछ साइंटिस्ट से पूछ रहा है, वो है व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? अब हम इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ साइंस नाउ डैट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वर्ड साइंस मीन्स नॉलेज और लर्निंग। जो वर्ड है साइंस, इसका मतलब है नॉलेज या लर्निंग। द साइंस इज लर्निंग अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। जो साइंस है उसमें हम सीखते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। द फिज़िकल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड। जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो ऐसा वर्ल्ड है वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं। एंड द एवरीथिंग दैट लिव इन इट, और बहुत और हर चीज़ जो इसमें रहती है। दिस फिज़िकल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अर्थ। ये फिज़िकल वर्ल्ड में सिर्फ अर्थ नहीं आता, बट एवरीथिंग अल्स इन द यूनिवर्स, बल्कि यूनिवर्स की हर चीज़ इसमें आती है। वी स्टडी साइंस। हम साइंस को स्टडी करते हैं, बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये हमारी मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, एंड हाउ थिंग्स हैपन, और चीज़ें कैसे होती हैं। स्टडिंग साइंस, साइंस को स्टडी करते हुए इन्वॉल्व केयरफुल रिसर्च। इसमें इन्वॉल्व होती है केयरफुल रिसर्च एंड थिंग्स। These skills are useful। ये skills जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं in many other areas of life। ज़िंदगी के बहुत सारे areas में ये skills use होती हैं। Above all, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है, we study science। हम science को study करते हैं, because it is exciting। ये बहुत ज़्यादा exciting है, amazing है, and fascinating। fascinating का मतलब होता है दिलचस्प, and so much more, और इससे भी ज़्यादा। As you are about to find out, इसीलिए हम इसे find out करते हैं। So turn the next page and let's go। हमारा unit number 1 है, जिसका नाम है human body। इसमें हम human body को पढ़ेंगे कि human body के कितने parts हैं और वो कैसे काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं brain की। What the brain does? Brain कैसे काम करता है? Brain is a part of our body nervous system। जो ब्रेन है हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है स्पीच को, हमारी बोलने को, थॉट, हमारे ख्यालात को बैलेंस करता है, हमारी बॉडी को, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे सेंसेस में हमारी 5 सेंसेस आती है, हमारे उन 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और हमारे ड्रीम्स को भी कंट्रोल करता है, एंड ऑल अदर बॉडी फंक्शन। और इसके अलावा ये हमारे अदर बॉडी फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। आवर ब्रेन सेंड मैसेज। हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज सेंड करता है अराउंड द बॉडी, हमारी बॉडी के अराउंड। सो डैट इसीलिए ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी नोन, जिससे हमारे पूरी बॉडी को पता चलता है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड व्हेन टू डू, और कब करना है। दीज मैसेजेस ट्रेवल एट मोर देन
24 किलोमीटर पर हावर। ये जो मैसेज सेंड होता है इसकी स्पीड है 240 किलोमीटर पर हावर से भी ज़्यादा। अगर हम मीटर में देखते हैं तो है 150 मीटर पर हावर। इट इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज फास्टेस्ट लैंड एनिमल। ये लैंड एनिमल से भी ज़्यादा है, जैसा कि चीता कैन रन, जैसे कि एक चीता भागता है। स्टूडेंट्स, आपने ये सारा लेक्चर यहाँ तक रीड करना है, इसको याद करना है आपने। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।